और बहना बहुत सुंदर अब प्रस्तुति आ रही है। आज की ये विशेष प्रस्तुति है, शांतिवन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। सेना मेरी शान, सुनो गौर से दुनिया वालों। भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आज की इस सुंदर प्रस्तुति को हमारे बीच रखें। हम बहुत प्रेम भाव से इस प्रस्तुति के लिए आपका स्वागत करते हैं। मैंने सोच लिया है माँ, मुझे फौजी बनना है। क्या? नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बाबूजी भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए। अब मैं तुझे नहीं, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ही धरती भी मेरी माँ है। दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ, अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। वेल डन, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन आर्मी। हर किसी में अपने देश के लिए लड़ने की हिम्मत और जान देने का जज्बा नहीं होता, फौजी ये अपने अंदर लेके पैदा होता है। विक्रम सिंह, हम सब तो यहां फौज में किसी न किसी मकसद से आए हैं, लेकिन अगर हमें कुछ होता है तो हमारे घर वालों को देखने के लिए कोई ना कोई है। पर तेरी तो मां भी घर पर अकेली है। अगर तुझे यहां कुछ होता है तो क्या तूने कभी सोचा है तेरी मां का क्या होगा? फिर तू यहां फौज में क्यों आया है? सभी सैनिकों को यह सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है। आई रिपीट, जंग कभी भी हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें।
था हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऑल यूनिट्स अलर्ट, जंग का ऐलान हो चुका है। दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। सारी बटालियन अपनी पोजीशन पर पहुंचे। आई रिपीट, सारी बटालियन अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचे। जवानों, दुश्मन देश की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। सारी बटालियन तैयार। यस सर। हमला करो। लगता है दुश्मन देश हम पे हावी होता जा रहा है। सब पीछे हटो। विक्रम सिंह अपनी पोजीशन पे वापस आओ। नो सर। विक्रम सिंह दास सेनादा, कम बैक टू योर पोजीशन। मेरे पिताजी देश के शहीदों का सर, फिर मैं वापस कैसे आ जाऊंगा? मेजर करण राजवीर सिंह, कवर फायर करो इसे।
वतन के लोग जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए Baby.
भारत माता की वंदे।